जय टू ऑल ऑफ यू। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले ग्रुप डी फिजिकल के बारे में। तो फ्रेंड्स, अब तो आपको पता है जिनका 10 जनवरी से 11 जनवरी को, उन लोग के लिए तो बेस्ट ऑफ लक भाई, आप अच्छे से क्वालिफाई करके आओ। अब मैं उनकी बात करता हूँ जिनका 12 को है, 15 को है, 18 को है, 20 को है। अब मैक्सिमम 15 के बाद जिनका है वो टारगेट उनके लिए मैं रख रहा हूँ। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा फ्रेंड्स। देखो, आपके पास बहुत टाइम है, मान लो तो हार है, ठान लो तो भाई जीत है। तो मैं कुछ वर्कआउट बता रहा हूँ, वर्कआउट वही करो। अब आप पाँच ऑलरेडी आप लोग कम से कम 10 दिन से दौड़ते ही होंगे, स्टेमिना तो बन ही गया होगा, आदत तो हो ही गई होगी, तब आपका 100% आप क्वालिफाई कर जाओगे। बस मेरी बात ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, ओके। तो मैं कुछ बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान सुनना, वही फॉलो करना। बाकी अदरवाइज आप तो जानते हो, यूट्यूब तो पड़ा भरा है ट्रेनरों से, कमी तो है नहीं ट्रेनरों की। ठीक फ्रेंड्स, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, ओके। देखो फ्रेंड्स, आपको ज़्यादा वर्कआउट नहीं करना है। बहुत लोग ABCD ड्रिल्स कर रहे हैं भाई, ABCD ड्रिल्स हैं तो प्रोफेशनल के लिए एक्चुअल होता है, फिर आप बिगिनर्स हो तो स्टार्टिंग में आप जो होता ना ओपेरैली, उन लोगों के लिए होता है। आप 10 दिन दौड़ना है सिर्फ, और अभी आप एजेड भी हो, आप करोगे ना आपका थाई पकड़ लेगा ना, तो उल्टा सीधा पेन ही होगा। ABCD का दो चार एक्सरसाइज करो चलेगा। अब सारा एक्सरसाइज करोगे ना भाई, हालत ख़राब हो जाएगी। समझ में आ गया ना? तो मैं कुछ कॉमन बता रहा हूँ, उसको फोकस करो। ठीक, देखो पहले आप जंपिंग जैक करो, जंपिंग जैक का 3 सेट मारा करो सुबह सुबह। मैं ये बता रहा हूँ आपको, डेली ध्यान सुनना, सुबह के वर्कआउट में बता रहा हूँ। अब जंपिंग जैक किया करो, 1 2 3 4, समझ में आ गया फ्रेंड ना? ये पूरा हाथ ऊपर जाना चाहिए, ये देख रहे हो ना, ये 5 6 ऐसे से करना है, समझ में आ गया ना? इसका 3 सेट मारो 20 20 का, ये कर लिए, फिर कमर पे हाथ रखे, 1 2 3 4 5 6, इसका भी आप 20 20 का मारो 3 सेट, ओके फ्रेंड्स। इतना किया, उसके बाद थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लो, जैसे हाथ ऐसे रख लिया, ओके, ये 1 2 3 4, देखो ऊपर आना, जब ये पैर आ गया तो मुंह ऊपर आएगा, 5 ऐसे करोगे, 6 7 8 9 10 11, यहाँ तक आना चाहिए पैर, ये स्ट्रेचिंग के लिए होता है, और पैर आपका लंबा लंबा खुलेगा। समझ में आ गया? बाकी स्ट्रेचिंग ये भी कर सकते हो आप, ये ऐसे से करो, समझ में आ रहा है, सॉरी ये करो, ओके, पूरा स्ट्रेचिंग ऐसे करना दोनों तरफ, समझ में आ गया ना? 2 3 बार ऐसे कर लेना, ये हो गया तीसरा एक्सरसाइज। चौथा एक्सरसाइज क्या करना है आपको, ये तो कॉमन है हमेशा, जितना एक्सरसाइज किया करो ये हमें अक्सर किया करो, इससे क्या होता है आपका ये मजबूत होता है, ये वाला देख रहे हो ना, जब आप ऐसे से करोगे ना ये कट बनेगा, मजबूत होगा। जो बहुत बोलते सर ये दर्द करता है ना, ये इसीलिए होता है एक्चुअल में, ये करना है आपको ऐसे, समझ में आ रहा है? 4 हो गया, 5 एक्सरसाइज ध्यान सुनना, थोड़ा बॉडी को वार्म अप टाइप का ऐसे स्ट्रेच किया करो, ऐसे करोगे ना पट पट बोलेगा, तो डरना नहीं, समझ में आ गया ना पूरा। और शोल्डर का एक्सरसाइज करना है कैसे, ये ऐसे कर लेना, ओके फ्रेंड्स, ये ऐसे ऐसे किया करो झुक करके, कम से कम 1 1 2 2 मिनट लगातार, बताऊँगा किस लिए बता ये होता है, ये जाते हो तब स्ट्राइक मारते हो उसमें काम देता है, समझ में आ गया ना? कम से कम 1 1 2 2 मिनट किया करो। 4 5 हो गया, और ध्यान से सुनना, ठीक। और हाँ एक चीज़ और, बहुत लोग बोलते हैं आपका शोल्डर पोस्टर क्या रहना चाहिए रनिंग के टाइम, ध्यान देखना, ये है ना, इसको ऐसे कर लो, ये ऐसे से लेके जाओ, समझ देख रहे हो ना ध्यान से, ये मेरा ज़्यादा मूड नहीं रहा है। बहुत लोग क्या करते हैं, ये ऐसे से दौड़ते हैं, या फिर ऐसे से ये पूरा करते हैं पीछे, ये पीछे नहीं जाना चाहिए भाई, शोल्डर तुम्हारा यहीं रहना चाहिए, ये ऐसे से दौड़ना है, देखो ये तो शोल्डर यहीं पर है मेरा, समझ रहे हो ना, देखो ऐसे दौड़ना है, समझ में आ गया? बहुत लोग ऐसे ऐसे दौड़ते हैं, बहुत लोग ऐसे ऐसे दौड़ते हैं, समझ रहे हो, देखो ऐसे, तभी ज़्यादा थक जाते हो, सांस फूलती है भाई, ये क्या है, उछलना नहीं है, दौड़ना है ऐसे ऐसे, समझ, बहुत लोग ऐसे उछलते हैं तो थक जाओगे, सांस भी फूलेगा, समझ में आ गया ना? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ध्यान सुनना मेरी बात, रनिंग से पहले कम से कम 20 मिनट का वार्म अप किया करो, यही सब, एक आध दो एक्स्ट्रा डाल लिया करो उसमें, समझ में आ गया ना? जितना आपको याद हो, क्योंकि मैं करवाऊंगा तो बहुत ज़्यादा करवा दूंगा, टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और हाँ ये तो 100% किया करो, क्या ये 1 2, यहाँ देख रहे हो ना, यहाँ पे पैर आना चाहिए आपका, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देख रहे हो ना, पंजे के बगल उछलना है, ये नहीं ऐसे ऐसे मत करना, तुम परेड नहीं कर रहे हो, समझ में आ गया? ये ध्यान देखना, ये पंजे के बल उछलना है, ये किया करो, एक्सरसाइज है बहुत, एक्सरसाइज है, तो जितना आप कामन कम, जितना आपसे हो पाए बताने, तो मैं सारा बता दूं, क्योंकि आपसे होगा ही नहीं, तो मिनिमम एक्सरसाइज करो, लेकिन जो भी करो सॉलिड करो,
समझ में आएगा, डेली किया करो। उसके बाद क्या करना है, ये 7-8 एक्सरसाइज कर लिए ठीक, और 10 पुशअप मारो, 15-15, 10-10 का जितना आपका सेट बने, 2 सेट पुशअप मार लिया करो ओके। उसके बाद तब बॉडी आपकी गर्म हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है आपको, ध्यान सुनना मेरी बात, अब सुबह का टाइम है तो इतना करने के बाद आपको लॉन्ग रनिंग करना है, समझ में आ गया ना। लॉन्ग रनिंग कितना करना है, कम से कम 3 किलोमीटर, हाँ समझ में आ रहा है ना। पेन सबको होता है भाई, अच्छे अच्छे एथलीट को भी होता है, मुझे भी होता है, सबको होता है, बट मायने रखता है कौन उसको पेन को सह लेता है तो उसको बाद में फ़ायदा होता है, समझ में आ गया ना। पेन होने दो, 2 से 3, जो नहीं 3 दौड़ पा रहे 2 तो कॉमन दौड़ो, 2 से 3 किलोमीटर डेली लॉन्ग रनिंग करो। उसके बाद सुबह ही 5 से 10 मिनट दे दो टाइम फ्री, मतलब रेस्ट कर लो, बैठ जाओ आराम से, बैठने पर पैरों से दबा लिया करो, दर्द कर रहा है, समझ में आ गया ना। 5-10 मिनट रेस्ट करने के बाद फिर स्ट्राइक मारना है आपको। पहला स्ट्राइक मारना 300 का स्ट्राइक मारना, 300 मीटर का 2 ठो, 600 हो गया। उसके बाद आपको 200 का स्ट्राइक मारना है, 2 ठो, लास्ट में एक फुल 100%, ऐसे तो 100% वैसे भी मारना 300 का, लेकिन जितनी एनर्जी बची है 100 मीटर का मार देना उसमें, फिर बैठ जाना, आराम से रेस्ट कर लेना, फिर आराम से घर पे जाना ठीक। ये होगा सुबह का। और जान, अगर जिनके पास जान नहीं बची है वो इतना कर लेना सुबह ठीक है, जिनके पास जान बची थोड़ा बहुत, वो शाम को क्या करना है, ध्यान से मेरी बात सुनना, शाम आप जाना रोड पे 1 किलोमीटर नॉर्मल ग्राउंड पे पेस रनिंग कर लेना, आपको पेस रनिंग करना है, ध्यान से मेरी बात सुनना। बाकी स्ट्राइक आपको कितना मारना है, आपको स्ट्राइक शाम को 400 मीटर का मारना है, 2 स्ट्राइक मार देना, 400 का फुल स्ट्राइक मारना, फिर 400 का फुल स्ट्राइक मार देना ठीक, 800 हो गया, फिर आपको 200 का स्ट्राइक मारना है। अब बोलो मैं 400 के स्ट्राइक क्यों मरवा रहा हूँ, क्योंकि भाई देखो टाइमिंग बहुत कम है, 1 किलोमीटर मांगा है, तो आपका रिदम रहेगा 400 मीटर का स्ट्राइक रहेगा रिदम ना, तो आप आराम से 1 किलोमीटर दौड़ जाओगे, समझ रहे हो ना। अगर जो 400 का स्ट्राइक नहीं मार पा रहे तो आप 200 का बना लो, 200 का 4 स्ट्राइक मारो, 200 का मारो, उसमें 1 मिनट से 2 मिनट गैपिंग, तो ज़्यादा गैपिंग मत दो सर। मैं अगर 200 का स्ट्राइक मारा, 1 मिनट रेस्ट कर लो, 2 मिनट रेस्ट कर लो, फिर उठो, फिर भागो 200 मीटर, फिर 1-2 मिनट रेस्ट दे दो, ये शाम को वर्कआउट हो गया। यही आपको डेली फॉलो करना है, डेली, ये नहीं कल फिर चेंज करना है, नहीं चेंज करना है इसको। यही आप 4 दिन जाओ, 5वें दिन आप हील रनिंग करो, मतलब थोड़ी चढ़ान टाइप कराओ, उस पर रनिंग करो, सन में आ गया ना, वो करो 5वें दिन, और 6ठे दिन रेस्ट कर दो, 1 दिन रेस्ट ले लो, सन में आ गया। बाकी टैबलेट वगैरह मालूम है, डाइट मालूम है, और हाँ सबसे बड़ी बात, बॉडी देखो कितना भी आप ट्रेनिंग ले लो, अगर आपका देखो डाइट सही नहीं है, शूज सही नहीं है, और आपका बॉडी पोस्चर सही नहीं है, तो आपका रनिंग कभी क्वालिफाई नहीं करोगे। इसलिए बॉडी पोस्चर जो अच्छे से रनिंग करते हो उसको ज़्यादा ध्यान दो। बहुत लोग ऐसे ऐसे दौड़ते हैं, ये क्या है भाई, समझ रहे हो ना। पोस्चर अपना अच्छा रखो, डाइट अच्छा रखो, और अच्छा शूज पहनो। ये नहीं कि अब मैं A6 का प्रचार करूँ, कलंजी का प्रचार करूँ, भाई कुछ भी तू ले ले, समझ में आ गया ना। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे घर पे दुकान नहीं है A6 का, इसलिए सोच समझ कमेंट किया करो मैं कमेंट क्या कर रहा हूँ ठीक। तो इसलिए आप इतना करो, बाकी आपका सही हो जाएगा। और कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई करने की पूरा कोशिश करता हूँ। और जो गर्ल्स हैं उनके लिए स्पेशली बोल रहा हूँ, आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर दिया करो, थोड़ा इतना ज़्यादा कमेंट रहता तो सबका पढ़ना उसमें सही नहीं रहता, तो बोल दिया करो, मैं गर्ल्स हूँ सर ये हेल्प कर दीजिए, मैं कर दूँगा ठीक। सर मैं क्या, मुझसे जितना होगा मैं कर दूँगा, क्योंकि मेरा भी पेपर वगैरह है, इसलिए थोड़ा कम फोकस कर पाता हूँ वीडियो पे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, लाइक कर देना फ्रेंड्स, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।